हम लोग आज नारा लगाते हैं कि शौचालय व्यवहार बंद करो, तो बोलती है कि क्या शौचालय व्यवहार किए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, चाहे जनवरी या चाहे मकर संक्रांति आए, हम लोग यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं। तो इसमें साफ झलकता है कि शौचालय हम लोग जो नारा लगाए थे वो कहीं गलत नहीं है। JSLPS के कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। वही उन्होंने 12 दिसंबर 2022 से लगातार उनका विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहा है। पर कहने वाली बात ये होगी कि अब तक कोई नेता, मंत्री या विधायक जो है इन लोगों से मिलने नहीं पहुंचे हैं। इनका दुख दर्द जो है अब तक कोई समझ नहीं पा रहे हैं। 1 जनवरी को लोग जो है बड़े बड़े पब में जा करके बड़े बड़े तरीके से 1 जनवरी सेलिब्रेट किया, वहीं इनका दुख और दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। जबकि लगातार कड़ाके की सर्द पड़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं किन्हीं का भी ध्यान यहां और नहीं आ रहा है और कोई यहां पे ध्यान भी नहीं देना चाह रहा। वहीं हमने इन लोगों से बात की थी, 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा था, वहीं कुछ असर देखने को नहीं मिला है। वहीं हम इनसे जानेंगे कि 1 जनवरी तो गुजर गया, दिसंबर का महीना था जब ये लोग एक आस लेकर यहाँ पे बैठे थे, पर कहीं ना कहीं उनका आशा जो है निराशा में बदलता नजर आया। वहीं हम जानेंगे यहाँ की लोगों से, यहाँ की महिलाओं से वो क्या कुछ कहेंगे घर परिवार को छोड़कर सर्द के मौसम में खुली हवाओं में खुले आसमान के नीचे ये लोग जो है दिन गुजार रहे और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पर ये चीज़ जो है किसी को नजर नहीं आ रही। वहीं हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। लगभग जो है 1 जनवरी आपका गुजर गया, कोई मिलने नहीं आया, 2 तारीख को आपने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, क्या कुछ निर्णय आया और क्या कुछ लगता है कि इस चीज़ में कुछ सुनवाई होगी या फिर आप लोग की बातों को कहीं ना कहीं रखी जाएगी? निश्चित ही हम लोग लगातार मंत्रियों और विधायकों को प्रेशर किए कि भाई, और पत्र देने का काम किए कि हमारे कुछ चीज़ों मांग है, 4 मांग है, उस पर कोई ना कोई विचार हो। ऐसा लगातार हम लोग मंत्री और विधायक को देने का काम किए। नहीं सुनने के बाद भी हम लोग विधानसभा में सत्र चल रहा था, उसमें विधानसभा के दौरान हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन लगातार आज 26 दिन हो रहा है और हम लोग पूरी 1200 दीदी लोग देख सकते हैं आप पूरी साइड में है ना 1200 परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड में जहाँ पर लोग अपनी ठंड से हड्डी हिल जाता है लोगों का, और ऐसी स्थिति में आज हम लोग पूरे झारखंड से 2400 जिला से PRVP यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी के सरकार इसको अनदेखी कर दे रही है ना। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग 2 तारीख को माननीय, अब हम लोग लगा कि नहीं, ये मंत्री और विधायकों से जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग अंतिम जो दरबार होता है वो महामहिम का होता है, राज्यपाल महोदय का होता है। हम लोगों ने 2 तारीख को राज्यपाल महोदय को मिलने के लिए एक पत्र दिए थे और अभी हम लोग फिर से, जब 4 दिन बीत गया और जब कोई रिप्लाई उधर से नहीं आया है, तब हम लोग आज फिर से राज्यपाल महोदय के यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं, पर रिसीविंग मिला हुआ है हमें, हम लोग कल वहाँ पर राज्यपाल महोदय के यहाँ फिर से जाने वाले हैं। यानी कि आप राज्यपाल महोदय से मिल कर आ रहे हैं और आपको मिलने की अनुमति जो है वो दे दी गई? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा राज्यपाल महोदय से हम लोग मिल नहीं पाए हैं अभी तक। मिलने के लिए अनुमति मांगे थे, अनुमति उधर से बात कही की गई थी कि हाँ आप लोग कुछ दिन में बुलाया जाएगा, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई पत्र नहीं मिला हमको, तो अंततः हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए कल हम लोग फिर से जा रहे हैं मिलने के लिए, और बाकायदा हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं उसका एक पत्र जारी कर दिए हैं कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं कल। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो है आज भी महामहिम को ज्ञापन सौंपे हैं और कल जो है काफ़ी संख्या में ये लोग राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे। वही हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर्द का मौसम है, कहीं ना कहीं आपके घर पे बच्चे होंगे, जो बुज़ुर्ग होंगे, आपके माता पिता होंगे, और वो कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे होंगे। 1 जनवरी भी गुजर गया, कोई आपसे मिलने नहीं आया। हाँ, बात तो सही है कि हम लोग आज 26वां दिन है हमारा ये धरना प्रदर्शन का राजभवन में, जो कि 24 जिला से हमारी बहनें आई हुई हैं, दादा दादी, दादा दीदी जितना भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और अभी जिस तरह से ये 4-5 दिनों में ठंड बढ़ गई है और मौसम जैसा दिख रहा है उस हिसाब से, तो अभी महिलाएं तो बीमार हैं ही, लेकिन बच्चे भी कुछ कुछ बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं जी। हम लोग इससे पहले भी अपना स्पीच में बता चुके हैं कि हमारे जितने भी दीदी आई हुई हैं, बहुत सा अपना जहाँ पे रहने का व्यवस्था किए हैं वहीं पे बीमार पड़ी हुई हैं, और बहुत कोई को हॉस्पिटल में भी हम लोग दिखा रहे हैं, और बच्चे भी बहुत बीमार हैं।
इसलिए कोई मिलने नहीं आया, यानी कि आपका दर्द अभी कोई भी नहीं समझ रहा है। नहीं, अभी तो हमारा दर्द कोई भी नहीं सुन रहा है। हम लोग हर कोई से गुहार लगा रहे हैं, चाहे विभाग हो या फिर सरकार हो, लेकिन हम लोगों के बीच में अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं देख रहा है हम लोग को आके कि हम लोग किस स्थिति में यहाँ पे पड़े हुए हैं। और मैं अपना विभाग को भी कहना चाहूँगी और हमारा सरकार को भी कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों का 26 दिन इस राजभवन स्थित में बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, तो कम से कम एक इंसानियत के नाते भी आके मिले और हम लोग का दुख दर्द को समझे। जी, हमारे साथ एक यहाँ महिला है जिनके बच्चे पे, जिनके गोद पे जो है एक बच्चा है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगी वो। आपके गोद पे एक बच्चा है, क्या कुछ कहेंगे सर्द के मौसम पे जो है बच्चे को लेकर रह रही है आप? बहुत ही दुख की बात है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे दादा दीदी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें आशा करके बैठे हुए हैं कि कोई हमारे विभाग के प्रतिनिधि या फिर सरकार हम लोगों का दुख दर्द को समझेगी और हम लोगों से मिलने के लिए आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो हम लोगों के पास आकर के मिले या बात करे या हम लोगों का दर्द को पूछे। और बहुत ही दुख की बात है, हम लोग तो इतना दिन सोच करके नहीं आए थे, लेकिन इतना दिन हम लोगों को झेलना पड़ रहा है या ये करना पड़ रहा है। हम लोग पूछना चाहेंगे अपने विभाग के लोगों से, एक तरफ कहती है कि हम लोग उनके बच्चे हैं, तो कहाँ गई उनके वो सांत्वना देने वाली वर्ड जो आज हम लोगों को देखने तक नहीं आ रही कि उनके बच्चे किस हालत में रह रहे हैं या 26 दिन हो चुका है, किस हाल में है, क्या भूखे हैं या फिर किन्हीं का कुछ हो गया है या नहीं हुआ है, एक बार सुध भी लेने के लिए नहीं आई है। तो क्या क्यों बोलती है सर हम लोग का विभाग कि हम लोग उनके बच्चे हैं? हम लोग आज नारा लगाते हैं कि सौतेला व्यवहार बंद करो, तो बोलती है कि क्या सौतेला व्यवहार किए हैं? तो इसमें साफ झलकता है कि सौतेला हम लोग जो नारा लगाए थे वो कहीं गलत नहीं है, और ना ही हम लोग जो यहाँ पे जितने दीदी लोग बैठे हुए हैं वो गलत मांग लेकर के बैठे हुए नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे लेके बैठी हुई, 1 जनवरी गुजर गया, घर की याद नहीं आई, बिल्कुल आई, सेलिब्रेट किए आप लोग? बिल्कुल आई, लेकिन हम लोग एक मन में जुनून था, एक ये है कि हम लोग जो मांग लेकर के बैठे हैं वो गलत नहीं है और हम लोगों का मांग जायज है, और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, चाहे जनवरी या चाहे मकर संक्रांति आए, हम लोग यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। जी, हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे क्या उनका परिवार जो है उन्हें मिस कर रहा है या 1 जनवरी किस तरह गुजरा। हालांकि वो एक आस में है कि इनकी मांगे जो है पूरी कर दी जाए, पर देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है अभी तक आप लोग की बात को पूरी नहीं कर रही, ना अभी तक नेता विधायक मंत्री जो है कोई नहीं आए आप लोग से। किस तरह से 1 तारीख आप लोग सेलिब्रेट किया, किस तरह से आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा था और क्या कुछ हुआ है? हम लोग को अभी तक 12 तारीख से आए हैं, अभी तक हम लोग को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। यानी कि बस आप लोग अपनी मां के सहारे बैठी हुई है और जिनको जो मन से आ रहा है वो कर रहा है, मांग के सहारे बैठे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को सुनने वाला कोई देखने वाला तक नहीं है, और मांग को कैसे पूरा कर देगा। कहीं ना कहीं आप लोग के अध्यक्ष के बारे बताया गया कि कल आप लोग काफी संख्या में जो है राज्यपाल की आवाज जा रहे हैं। जी हाँ, क्या कुछ तैयारी है? 1200 परिवार पूरा उठ के जाएंगे और राज्यपाल को हम लोग अपना अलग अलग जगह से सारे लोग एकत्रित हो, 24 जिला से 1200 परिवार हैं, और मजबूत हो चुकी है और अलग अलग जिले से 2400 जिले से सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। इनके 1200 परिवार, इनका कहना है यानी कि 1200 लोग जो है सारे यहाँ पे मौजूद होंगे और सारे लोग जो है राज्यपाल से मिलने जाएंगे। हालांकि आज तो ज्ञापन सौंप दिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि इन पे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है कि ये लोग इसी तरह धरने पे दिन और रात गुजारते नजर आएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।